नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि जो 11, 12 में विद्यार्थी आर्ट्स पढ़ते हैं तो उसकी तैयारी कैसे करें, मतलब आर्ट्स की तैयारी कैसे करें। जिस तरह से साइंस के विद्यार्थी और कॉमर्स के विद्यार्थी अपने अपने विषयों में महारत हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, उसी तरह पर अगर आप लोग भी मेहनत करें, आर्ट्स के विद्यार्थी मेहनत करें, तो नो डाउट आपका जो करियर है उन लोगों से कम स्तर का नहीं होगा। दूसरी बात कि आर्ट्स जो विद्यार्थी लेते हैं उनका इसमें ऐसे दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक आर्ट्स लेते हैं वो जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं, और एक आर्ट्स लेते हैं वो जिनको लगता है कि हम UPSC क्वालिफाई करेंगे या सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करके अच्छे पद पे जाएंगे या फिर किसी स्टेट PSC के एग्ज़ाम देंगे या फिर क्लैट के थ्रू जज बनेंगे या अच्छे विश्वविद्यालय नंबर के प्रोफेसर बनेंगे। तो जो विद्यार्थी 11th और 12th में आर्ट्स रखे हैं उसकी तैयारी करने के लिए मैं कुछ आपको टिप्स देता हूं। अगर इस तरीके से आप तैयारी करें 11th 12th से ही तो आपका जो है CU के एग्जाम हो, CUT के एग्ज़ाम हो, क्लैट का एग्ज़ाम हो या इन फ्यूचर आपके UPSC करना हो, कभी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं कैसे शुरुआत करें। देखिए जिस पेपर को भी पढ़ते हैं, जैसे मान लिया कि आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री में 11th का हिस्ट्री एंड 12th का हिस्ट्री दोनों मिला के आपका जो है 4 पेपर से 1, इस तरह से 2, 3, 4। इस तरीके से पहले आप एक फाइल कर दें जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सजा के अच्छे तरीके से रख सकें, एक रजिस्टर प्लस एक फाइल, जो भी इम्पोर्टेंट प्लस एक डायरी। और आप सबसे पहले आपके अंदर लिखने की हैबिट होनी चाहिए। इतिहास एंड हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसको जितना बार पढ़िएगा उतना ही मन लगेगा, जितना गहराई में जाइएगा उतना ही लगेगा हम इसको और अच्छे तरीके से पढ़ें। और इतिहास के अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना। तो आपको जैसे 11th में पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक रजिस्टर जो कि डेली क्लास में जो पढ़ाए जाते हैं उसको नोट करें, या कहीं पढ़ते हों, अपने स्कूल में पढ़ते हों, कॉलेज में पढ़ते हों, कोचिंग संस्थान में पढ़ते हों, लेकिन आपके पास एक फाइल अवश्य होना चाहिए। और उससे संबंधित किसी दूसरे रेफरेंस बुक्स में कोई बातें पढ़ते हैं तो उसको जो है फोटोकॉपी करा के या खुद से लिख के इस फाइल में रखें। अब इसको बना दीजिए कि मान लो 1 है, ए 2 है, ए 3 है, ए 4 है कि नहीं। 12th में आपको 3 है तो आप लिख सकते हैं ये 11th का है, बाकी ये 12th का है, है ना, ये 11th का है, ये 12th का है। ये आपको इस तरीके से तैयारी करने से आपको अगर इन फ्यूचर अगर UPSC देना हो तो दोबारा परेशानी आपको नहीं होगी। और इतना करने के बाद, चूंकि आप NCERT आपका पैटर्न है, लेकिन उसके अलावा भी आप एक रेफरेंस बुक्स आपको बताया जाता है जिसको पढ़ना होता है, एक क्लास में भी जो टीचर्स बताते हैं उसके आधार पर दोनों सब लेक्चर को करने के बाद आप जो है UPSC का जो क्वेश्चंस बैंक होता है पिछले 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, चूंकि UPSC तो लंबे समय से हो रहा है, तो सबसे पहले 5-7 का जो है आप क्वेश्चन बैंक खरीदिए और उसमें से कम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, है ना, BPSC का हो या किसी स्टेट PCS का हो, UPSC का हो, तो उस क्वेश्चन को, है ना, उस क्वेश्चन को पढ़िए, साथ साथ उस टॉपिक से देखिए कि जो टॉपिक आप 12th में 11th पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक उस क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं। और यदि नहीं बन पा रहा है तो उस क्वेश्चन को लिखिए, फोटो मत खींचिए, उसको लिखिए और लिखने के बाद उसको क्लास में टीचर्स के साथ या खुद से उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चूंकि आप 11th 12th में एग्जाम देते हैं तो सिर्फ 4 ऑप्शन होता है, उसमें चुन के आप जवाब दे देते हैं, लेकिन UPSC हो या BPSC हो या किसी और PCS एग्जामिनेशन देते हैं उसमें 4 में फिर 4 ऑप्शन होता है, इसको चुनना होता है, तो उसके लिए आपको पढ़ना होता है, क्लियर। दूसरी बात जो है, आप देखते होंगे एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप आजकल क्वेश्चन पूछता है, दैट मीन्स एक पैराग्राफ दिया हुआ था उससे 5-6 क्वेश्चन आपको दिया होता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। इस तरह के हिस्ट्री में जो कॉम्प्रिहेंशन मिले ना तो उसको आप फोटोकॉपी करा के इस फाइल में रख लीजिए, देखिए किस पेपर का है, क्लियर। इस तरीके से जो जो पेपर है उस पेपर में आप उस पेपर का जो जो अलग से मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है उसको रखते जाइए, ये आपकी आदत बन जाएगी और 5-7 सालों में आप इतने विद्वान हो जाएंगे
इतने काबिल हो जाएंगे कि आपको किसी भी सीयूटी वगैरह के लिए अलग से किसी कोचिंग संस्थान की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा और आपका बेस काफी मजबूत हो जाएगा। आप देखिए, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सीबीएसई के बच्चे हों, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए आपके नियम लागू है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, तो इकोनॉमी में भी आपका जो है, देखिए, वन टोटल मिला के 4 बुक्स पढ़ना है, 2, 3, 4 है ना। तब इसमें लिख दीजिएगा कि इसमें क्या पढ़ना है कि ए 11th का है, ई 11th का है, और ए 12th का है, ए 12th का है। क्लियर? तो इसमें मान लिया कि आपको स्टेट पढ़ना है, इसमें आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, इसमें आपको माइक्रो पढ़ना है, इसमें आपको मैक्रो पढ़ना है, सब पढ़ना है। तो सबका अलग अलग, खासकर इंडियन इकोनॉमी स्टैटिस्टिक्स को अच्छे तरीके से पढ़िए, ये आपको पीटी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें से भी देखिए, कहते हैं कुछ लोग इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जरा आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, इसमें से कंज्यूमर बिहेवियर से, मार्केट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि माइक्रो का पार्ट होता है। उसी तरीके से इसमें आपको पूरा नेशनल इनकम अकाउंटिंग अच्छे तरीके से दिया होता है, बजट अच्छे तरीके से दिया होता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी होती है, एक्सचेंज रेट के बारे में जानकारी होती है। तो अलग अलग, जिनका इकोनॉमी है वो भी, जिनका इकोनॉमी नहीं है वो भी, इनको भी आपको ये पेपर पढ़ना चाहिए। कुछ लोग ऑप्शनल में रखते हैं, तो जो है ना, या फिर जैसे ज्योग्राफी ही है, तो 11th में ज्योग्राफी में कोर सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, लेकिन यदि आप जो है यही आपका जो है 12th का ज्योग्राफी होता है, उसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। तो सबको पढ़ना, सबको इक्वल वेट दे के आपको पढ़ना है। तब उसी तरीके से फिर आ जाइए आपका, फिर अगर पोल्ट्री का पढ़ना है तो देखिएगा, फिर पोल्ट्री में भी मान लिया कि 1-2 बुक आपका 11th में है, फिर 12th में बुक्स है इस तरह से। तो देखिए, पूरा संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको 11th में ही पढ़ना है, फिर उसके बाद थाउट पढ़ना है, पॉलिटिकल थाउट पढ़ना है। इस तरीके से आप जो है पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या और भी जो जैसे खासकर साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी पढ़िए। पतली सी किताब आती है, अगर आपका पेपर नहीं है तो मन के चलिए 1-2 पेज पढ़ लीजिए। और इसके अलावा आपका जो है इंग्लिश पढ़ना होता है ना। इंग्लिश के लिए मेरे हिसाब से जो हाई स्कूल में रेन एंड मार्टिन का बुक्स पढ़ते हैं, उस किताब को फॉलो करें, और उसका सॉल्यूशन भी मार्केट में मिलता है, उसको देखिए। प्लस और जो आपका सिलेबस में होता है कहानी वगैरह, वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन रेन एंड मार्टिन का बुक को अच्छे तरीके से पढ़िए। और एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक, आरपी सिंह का आता है हाउ टू करेक्ट राइट इन टू इंग्लिश, है ना। ये कहता है हाउ टू करेक्ट ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, एक ट्रांसलेशन की किताब आती है, एक आप ग्रामर्स की किताब आती है, तो उसमें से बहुत सारा कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। उसमें से भी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है समझ, उसको समझ के आपको आंसर देना होता है। क्लियर? दूसरी बात, अब जो है आज के दौर में ह्यूमैनिटीज का महत्व लगातार बढ़ते चला जा रहा है। लोग पहले देश विदेश विदेशों में जाते थे पढ़ने के लिए, गांधी जी हो, अंबेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, सभी लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ने के लिए विदेश गए थे, और कोई ऑक्सफोर्ड गए, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, या हार्वर्ड गए, आज भी लोग जाते हैं। तो ह्यूमैनिटीज का महत्व विकास जो विकसित देश है उसमें काफ़ी महत्व है, और हमारे यहाँ भी इसका महत्व लगातार बढ़ रही है। यदि इस पेपर का चयन किए हैं और अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं तो इसमें करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। आप जान लीजिए, कितना भी लोग आप कॉमर्स पढ़ ले, कितना भी साइंस पढ़ ले, लेकिन फिर उसको अगर मोस्ट की प्राप्ति चाहिए, सबका सपना होता है आईएएस बने, तो उसको फिर से ह्यूमैनिटीज भी पढ़ना पड़ता है। आई थिंक आपको मेरे कुछ शब्द जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन होगा। थैंक यू।